आप सभी का स्वागत है मेरे और आप सभी के अपने चैनल चैनल में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है फ्रेंड्स, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम चल रही है फ्रेंड्स। तो आप सभी को इसके बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। तो जो अभी एफडी में डाल रहे हैं अपने पैसे, ओके फ्रेंड्स, एंड जो अदर बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं एज अ रिटायरमेंट के लिए फ्रेंड्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हम जो एज अ पेरेंट्स बिल्कुल भी रिटायरमेंट के ऊपर नहीं सोच पाते एंड ओनली बच्चों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम अभी से रिटायरमेंट के ऊपर सोचें और एक प्लान बनाएं ताकि रिटायरमेंट में हमें कोई भी उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, पूरा पता लगेगा आपको। अगर आप ये वीडियो अभी स्किप करके चले जाते हैं तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम है क्या? नेशनल पेंशन स्कीम इज़ अ वॉलंटरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान फ्रेंड्स। ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर रिटायरमेंट। तो ये फ्रेंड्स स्पेशली क्या है, रिटायरमेंट के लिए ही ये पेंशन स्कीम है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, ओनली ये फॉर रिटायरमेंट है। अगर आप किसी और रीज़न से इसको लेना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ये ओनली फॉर रिटायरमेंट पर्पस से ही ये स्कीम है। तो ये जो रेगुलेट करती है जो इस स्कीम को, वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेंड्स। तो ये इसको कौन कहते हैं अथोराइज, मतलब जो भी सही चीज़ें कौन देखता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और PFRDA। तो ये सारी चीज़ें इसकी देखता है। तो ये काफ़ी अच्छा, एक भरोसेमंद चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, एनपीएस इज अ गुड स्कीम फॉर एवरीवन हु वांट टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट। तो ये फ्रेंड्स कौन ये स्कीम ले सकता है? तो फ्रेंड्स, ये स्कीम जो भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क करता है फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो 10% उनका जो रहता है वो एक तरीके से वहाँ पे रिटायरमेंट का एक सिक्योरिटी रहती है फ्रेंड्स। बट जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अनऑथराइज सेक्टर में काम करते हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक रिटायरमेंट प्लान को लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल एक अच्छा प्लान है जो बिल्कुल अपना रिटायरमेंट के लिए एक अपना सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स। सो इट्स अ लो रिस्क एपिटाइट। तो ये काफ़ी हद तक लो रिस्क यहाँ पे मिल जाता है, जो स्टॉक मार्केट में डालते हैं पैसा या फिर म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आपको लो रिस्क मिल जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे। एंड फ्रेंड्स, ये स्पेशली इंडिविजुअल्स के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी फ्रेंड्स। तो आप अगर सोच रहे हैं तो ये वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर से पूरा देखें। एंड फ्रेंड्स, मेन चीज़ आती है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा फ्रेंड्स, आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा और आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अ पोर्शन ऑफ द एनपीए गोज़ टू इक्विटीज़ फ्रेंड्स। आप ये रिटर्न की जब बात आती है तो इसमें ये चीज़ है कि आपको 50% जो आप एक तरीके से इंटरेस्ट पे करोगे उसका आपका जाएगा इक्विटी में, ओके फ्रेंड्स। इक्विटी आपको नहीं पता तो एक तरीके से आप मान लें कि स्टॉक मार्केट में ये पैसा जाएगा, लगाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी जाएगा आपका PPF में, प्रोविडेंट फंड में जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका काफ़ी हद तक, क्योंकि प्रोविडेंट फंड काफ़ी हद तक सेफ एक रिटर्न आपको देता है बट कम रिटर्न देता है, और इक्विटी होता है कि थोड़ा बहुत अनसेफ होता है बट इससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो इट मीन्स ये है फ्रेंड्स कि आपको एवरेज 10% आराम से इससे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके से रिस्क एपिटाइट भी ले रहे हैं
और यहाँ पे एक सेफ चीज़ भी आ रही है, तो आपको एक एवरेज 10% का रिटर्न ज़रूर से मिल सकता है फ्रेंड्स इस स्कीम से। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, एंड दिस स्कीम हैज़ बीन इफेक्ट फॉर ओवर अ डिकेड एंड सो फार हैज़ डिलीवर्ड 8 to 10%। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया, ये काफ़ी टाइम से ये स्कीम है। पहले ये ओनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए स्कीम था फ्रेंड्स, बट आगे चलकर गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी इसको ओपन कर दिया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक आप इसके बारे में सोचें, और रिटायरमेंट के लिए फ्रेंड्स ज़रूर से सोचना चाहिए। यू आर ऑल्सो अलाउड द ऑप्शन टू चेंज योर फंड मैनेजर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपको कि 50% आपका इक्विटी में लगेगा एंड आपका PPF में लगेगा पैसा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट कितना है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया है कि 50% आपका लगेगा इक्विटी में एंड दिस स्टेबलाइज द रिस्क रिटर्न इक्वेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द NPA इज हायर एज कम्पेयर टू अदर फिक्स इनकम स्कीम्स फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ पे 50% अगर इक्विटी में लग रहा है तो ये ऑलमोस्ट आपको एक हायर रिटर्न देगा फिक्स्ड इनकम स्कीम से, जो कि एक पुराने काफ़ी हद तक लोग FD करवाते हैं क्योंकि उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती फ्रेंड्स अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर। तो आप एक चीज जो स्टडी करें फ्रेंड्स खुद, मैं इस जो भी ये मैंने पैराग्राफ लिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके खुद आराम से उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको तो पूरी नॉलेज इस वीडियो में दे ही रही हूँ। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा टैक्स एफिशिएंसी। सो देर इज़ अ डिडक्शन ऑफ अप टू 1 lakh rupee क्लेम्ड फॉर NPS। तो आपका ऑलमोस्ट 1.5 lakh rupee फ्रेंड्स डिडक्ट हो जाएगा एज अ टैक्स। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 60 एज के तक तो आपका ये पैसा लगा रहेगा, और आपको कम से कम अगर आप 500 रुपये भी मंथली करते हो और आप 40 साल तक करते हो तो आपको 1 करोड़ से कम तो नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स बिल्कुल भी। तो इस इट मीन्स आप समझ सकते हो कि आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आपको आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली है 1.5 lakh rupee का अगर आप क्लेम करते हैं NPS के लिए। एंड फ्रेंड्स जब ये मेच्योरिटी का आएगा तब आपसे लिया जाएगा, पहले नहीं लिया जाएगा। फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये चीज़ें समझ लो क्योंकि आप सभी को पता है 1 करोड़ अगर होगा तो उसमें आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और आपको यहाँ पे कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा आपका फ्रेंड्स। 40% इक्विटी पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगने वाला, तो क्योंकि ये रिटायरमेंट का है तो गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा टैक्स भी नहीं ले सकती फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, एंड आपको इससे हायर रिटर्न मिल रहे हैं और ये रिटायरमेंट पर्पज़ से है तो आपसे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स भी नहीं ले सकती है फ्रेंड्स। तो आप ये टैक्स का पूरा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैं ये आर्टिकल मैं आप डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगी, आप खुद आराम से इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताने वाली हूँ कि विड्रॉल रूल आफ्टर 60। तो आप कैसे जब आप 60 साल के हो जाते हो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स अपने सारे पैसे। तो फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिहाफ यू कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर कॉर्पस ऑफ द NPS आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो अगर आप 60 के हो जाओगे ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पूरा का पूरा सारा सारा पैसा आप एक साथ नहीं निकाल सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट के लिए है। अगर आप सारा पैसा एक साथ ही निकाल लोगे तो आगे भी तो फ्रेंड्स जीना है ना। तो आपको क्या होगा कि आप 50% अपना पैसा उसी टाइम निकाल पाओगे, एंड एटलीस्ट आपको 40 या 50% तो रखना ही पड़ेगा उस स्कीम के अंदर, और आपको महीने महीने या फिर जो इसकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता रहेगा ठीक है फ्रेंड्स। एज अ पेंशन, जैसे पेंशन आता है ना महीने महीने पेंशन आता है 3 महीने, तो ऐसे ही ये आपको मिलता रहेगा। जैसे क्या होगा, आपको ये नहीं सोचना आप अगर एक बार में पैसा निकालोगे तो खर्चा भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए एक अच्छा एक सेफ चीज़ है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका पैसा मंथली या फिर 3 मंथ में अगर आप चाहो तो अपना निकलवा सकते हो, आपका मंथली मंथली आता रहेगा पैसा। अब फ्रेंड्स
कुछ क्वेश्चन ये होगा कि मैं अर्ली क्या 60 एज से पहले ही पैसा निकाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं, आप जो पैसा भी इसमें लगाओगे अगर आप चाहो तो आप ये रिटायरमेंट पर्पस के लिए लगा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेटर ये रहेगा कि आप रिटायरमेंट तक पैसा ना ही निकालें, बट अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ जाती है तो आप पैसा निकाल सकते हो, बट कुछ चीज़ों में ही आप पैसा निकाल सकते हो। तो इन्वेस्टिंग यूनिट द एज ऑफ 60, हाउएवर इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, आपका ये 60 ईयर तक के लिए ही है इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपने 3 ईयर तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रखा है और आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ आ गई, सपोज आपको प्रॉपर्टी लेनी है और आपको पैसे चाहिए, तो अप टू 25% फॉर योर सर्टेन प्रोसेस। तो आप विड्रॉ कर सकते हो अपने जितना भी आपका अमाउंट बना होगा उसमें से 25% आप पैसा निकाल पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीज इंक्लूड्स चिल्ड्रंस वेडिंग और हायर स्टडीज, बिल्डिंग, बाइंग अ हाउस और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रेंड्स। तो कुछ कैटेगरी है जिसमें उसी में आप पैसे निकाल पाओगे, आप ऐसे ही पैसे नहीं निकाल पाओगे। सपोज क्या क्या कैटेगरी है, अगर चिल्ड्रन की वेडिंग है और हायर स्टडीज़ के लिए बिल्डिंग बाइंग या कोई हाउस बाई करना है आपको, या मेडिकल ट्रीटमेंट है कोई ज़्यादा क्रिटिकल, तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हो फ्रेंड्स। अदरवाइज आप पैसा नहीं निकाल सकते और आपके जो कैपिंग है वो 25% की, आप ओनली 25% अपना पैसा निकाल पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन, अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको टू ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एक एक होता है आपका ऑटो चॉइस और एक होता है आपका एक्टिव चॉइस। अब फ्रेंड्स ऑटो और एक्टिव चॉइस क्या होता है, अब फ्रेंड्स ऑटो चॉइस ये होता है कि इसमें जो फंड मैनेजर है वो खुद आपके एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि कितना पैसा किस फंड में लगना चाहिए, कहाँ पे लगना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिकली आपको कुछ हेडिक नहीं लेना, फंड मैनेजर आपके लिए काम करता रहेगा, ओके फ्रेंड्स। एंड एक्टिव चॉइस ये होता है, फंड मैनेजर स्टिल इज देयर इन इन दिस स्कीम, बट ये होता है कि अगर आप कहो कि मेरे को 75% अपना पैसा इक्विटी में लगाना है यानी कि स्टॉक मार्केट में लगाना है, तो आपका एक्टिव चॉइस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको एक्टिवली आप जहाँ चाहो वहाँ पे अपना पैसा लगवा सकते हो। अगर आप प्रोविडेंट फंड में लगवाना चाहते हो तो अपना प्रोविडेंट फंड में लगवा सकते हो फ्रेंड्स। तो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऑटो चॉइस चॉइस यूज़ करें या फिर आप एक्टिव चॉइस यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास नॉलेज है इन्वेस्टमेंट का तो आप एक्टिव चॉइस में जा सकते हो, वरना आप ऑटो चॉइस में जा सकते हो फ्रेंड्स। अब ऑप्शन टू चेंज द स्कीम और फंड मैनेजर, फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्कीम के अंदर कि आप यहाँ पे अपना फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करेगा कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, कभी भी आपका डिसीजन होगा। हाउ टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट, तो फ्रेंड्स आप कैसे एनपीएस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑफलाइन मोड भी है एंड ऑनलाइन मोड भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कैसे ओपन करवा सकते हो, तो आपको एक जो बैंक है, आपके काफ़ी सारे जो बैंक है इस एनपीए को, एनपीएस प्रोग्राम को अकाउंट ओपन करवा देगी आपका। आप अपने बैंक जो भी आपका बैंक है, एसबीआई है, कोटक है, एचडीएफसी है, कुछ भी बैंक, कोई सा भी बैंक है, आप उनसे संपर्क करें और पता लगाएं कि क्या उनके यहाँ एनपीएस अकाउंट ओपन होता है, तो आप वहाँ से ऑफलाइन भी ओपन करवा सकते हैं फ्रेंड्स। और एक ऑनलाइन मोड भी होता है जिसका यहाँ पे मैं लिंक देने वाली हूँ, आप यहाँ पे लिंक देख रहे हो फ्रेंड्स, NPS.NSDL.com। तो आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस में ओपन करवा सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे टू मोड मिल जाते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जैसे चाहें अपना जो ऑनलाइन प्रोसेस है कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे टू टाइप के और अकाउंट होते हैं, तो आपका एक होता है Tier 1 अकाउंट एंड Tier 2 अकाउंट। अगर आप Tier 1 लेते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होगी और Tier 2 लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगी फ्रेंड्स। तो अगर आप Tier 1 अकाउंट ओपन करवाते हैं आप, तो आपको विड्रॉल नॉट परमिटेड, आपको परमिटेड नहीं होगा। और अगर आप Tier 2 करवाते तो आपको परमिटेड होगा।
टैक्स एक्सेप्शन आपको यहाँ पे 2 लाख का मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे 500 से 1000 करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 250 होगा, एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नो लिमिट लो लिमिट। तो आप यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये से, ठीक है फ्रेंड्स, आप 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड महीने में 500 रुपये तो आप ज़रूर से ही निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, आराम से आप 500 लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप 18 साल के हैं तो आप आराम से इस चीज़ को अपना यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 500 रुपये मंथली, आप तो इतना तो आपको रिटायरमेंट के लिए करना ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो आप इसके रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।